आप सबको फिर निवेदन करेंगे, रोग बीमारी तकलीफ कष्ट या फिर कहीं रुपया पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर पांच बेलपत्री शिव जी को समर्पित करकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित करकर जल जो लेकर गए हो अपनी उस कामना को करकर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की एक लोटा पानी भगवान शंकर को अवश्य। क्या होता है? तीन दोष समाप्त होते हैं एक लोटा पानी शिवजी को चढ़ाने से। तीन दोष, पहला पितृ दोष, दूसरा वास्तु दोष और तीसरा काल सर्प दोष। जब हम घर में से जल लेकर जाते हैं तो हमारे घर का पानी जब जाता है तो घर का जो वास्तु केंद्र होता है वो रसोई घर होता है। रसोई घर में से जल ले जाकर शिव जी को चढ़ाते हैं तो उससे वास्तु दोष समाप्त। दूसरे नंबर पर है पितृ दोष। घर का जो मटका होता है, परिंडा होता है, अंडा होता है, वो पितरों का स्थान है। उस पितरों के स्थान पर जो जल भरा होता है उसमें से अगर भाग भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो पितरों का देवता आर्यमा भगवान शंकर के कहने पर चल जाए, इसलिए वो भाग जब शिव को प्राप्त होता है तो आर्यमा संतुष्ट होकर पितरों को भी फल प्रदान करता है। तीसरे नंबर पर काल सर्प दोष। भगवान शंकर को एक लोटा पानी अगर चढ़ा रहे हो, भगवान शिव पर एक लोटा पात्र जल का अगर चढ़ा रहे हो तो आपका काल सर्प दोष समाप्त। काल सर्प दोष होता कैसे? शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल तुलसी जी में चढ़ाने से पत्रिका में काल सर्प दोष हो जाता है। जैसे माँ जो होती है ना, घर की जो माँ होती है, अगर गर्भ में बच्चा है, गर्भ में संतान है और वो शिव जी पर अगर एक लोटा पानी जैसे शंकर जी पर जल चढ़ाया, थाली में सारे भगवान को निला लिया, गणेश जी देवी जी शंकर जी सारे देवताओं को एक ही थाली में रखकर स्नान कराकर वो शंकर का चढ़ा हुआ जल जब चढ़ाया जाता है तुलसी जी में ले जाकर लोग डाल देते हैं, उससे जो बच्चा जन्म लेता है उस बच्चे की पत्रिका में काल सर्प दोष आ जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है सारे देवताओं को भले एक ही थाली में स्नान करा लो, एक ही पात्र में स्नान करा, पर देवाधिदेव महादेव को एक छोटे से पात्र में अलग से स्नान करा लेना चाहिए। अलग और उस पात्र का जल शिवजी को समर्पित करा हुआ जल तुलसी जी में नहीं डालना। तुम्हारे घर में जो पौधा हुआ आप उसको उसमें समर्पित। जैसे बेलपत्री चढ़ाने के बाद जल चढ़ाना या जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाना, एक पत्र है बड़ा सुंदर है, छोटा सा भाव, प्रश्न अच्छा है आप सबके हित का। झरना जी अग्रवाल जयपुर राजस्थान से इन्होंने प्रश्न किया है। गुरुदेव, दूध कच्चा दूध केवल शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए या पूरे शिव परिवार पे चढ़ाना चाहिए? प्रश्न अच्छा है। और शिव महापुराण की कथा रुद्राक्षोत्सव चल रहा है तो आप उसको समझें। दूध केवल शिवलिंग पे चढ़ना चाहिए या जो शिवलिंग के आसपास में सभी परिवार विराजमान होता है उस पे भी चढ़ाना चाहिए?
अगर लिंग पुराण आप उठाकर देखेंगे तो लिंग पुराण में एक बड़ा सुंदर संवाद आता है जिसमें पीले कलर के शिवलिंग का वर्णन है, सफेद, लाल, पीला और काला। ये शिवलिंग का आपको पहले वर्णन करा। ब्राह्मण सफेद मट्टी का शिवलिंग बनाता है, वैश्य पीली मट्टी का शिवलिंग बनाता है, क्षत्रिय लाल मट्टी का शिवलिंग का निर्माण करता है, शूद्र काली मट्टी का शिवलिंग का निर्माण करता है। काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है। ये जो वर्णन किया गया है कि उसमें लिंग पुराण के अंतर्गत एक पीले शिवलिंग का वर्णन आता है कि पीला जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग का भाव कितना सुंदर बताया गया है। उसमें व्याख्यान वर्णन में आप अगर पढ़ेंगे देखेंगे लिंग पुराण के अंतर्गत तो उसमें आता है कि दूध जब आप देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कथा कहती है, नर्मदा पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, सारी पुराणे वर्णन करती है, वराह पुराण, ब्रह्मवेत्ता पुराण, ये जितनी पुराणे सब वर्णन करती है कि जब शिवलिंग पर हम दूध चढ़ाते हैं तो केवल शंकर भगवान के शिवलिंग पर दूध चढ़ा देने से संपूर्ण परिवार पर दूध चढ़ जाता है। अलग से हमें कहीं चढ़ाने की जरूरत नहीं, अलग से हमें कहीं दूध ले जाकर चढ़ाने की जरूरत नहीं कि हमें गणेश जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा, देवी जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा, कार्तिकेय जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा या नंदी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा। तो जो प्रश्न करा है जन्ना जी अग्रवाल जी ने, जयपुर राजस्थान से हैं, सुंदर प्रश्न करा है और ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि शंकर भगवान पर चढ़ाया गया थोड़ा सा भी दूध जल जो हम भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं वो केवल शिव के लिए नहीं रहता, केवल भगवान शंकर के लिए नहीं है, वो स्वयं 33 कोटि देवताओं को समर्पित हो जाए, स्वयं 33 कोटि देवताओं को। तकलीफ आ रही है, दुख है, लक्ष्मी नहीं आ रही, परेशान हो, 108 बेल पत्र की, जो बेल पत्र होते हैं उसकी, इसको छेद तो करते नहीं है सुई से, बेल पत्र की डंडी को बांधते जाओ 108 बेल पत्र की माला बनाओ और माला बनाकर भगवान शंकर के गले में, शंकर के शिवलिंग को जो चढ़ा देता है उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूरी कर देते हैं। अच्छा एकादशी 108 बेलपत्र की माला बनाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाने के लिए